केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सौरभ भारद्वाज बोले, सीएम को मिलेगी चुनाव प्रचार की अनुमति। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि आम आदमी पार्टी को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति देगा। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। दबाव डालकर लालच देकर गवाह तैयार किए सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सीबीआई और ईडी को 1 लाख पेज के दस्तावेज मिले और उनमें से 80,000 अरविंद केजरीवाल और आपके पक्ष में है, तो उन 80,000 दस्तावेजों को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। केवल वे दस्तावेज पेश किए गए जो लोगों पर दबाव डालकर उन्हें जेल में डालकर लिए गए थे। भारद्वाज ने कहा कि लोगों को जमानत का लालच देकर, लोगों को माफी का लालच देकर, लोगों को एनडीए से चुनाव लड़ने के लिए टिकट का लालच देकर केवल उन गवाहों को ईडी और सीबीआई ने अदालत के सामने पेश किया। केजरीवाल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज। आप नेता ने कहा कि केजरीवाल विपक्ष की सबसे मुखर आवाज है। अगर वह जेल से बाहर होते हैं तो इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों के लिए प्रचार करते। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने और चुनाव प्रणाली की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने की अनुमति देगा। केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि करीब 2 साल से ईडी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रहे हैं, दर्जनों नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि आप नेता को चुनाव प्रचार करने से रोकने की साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगी। तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी। सुनीता आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाने वाली थी। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक आज आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जेल आना है। दोपहर 12:30 का टाइम फिक्स है। एक हफ्ते पहले ये मीटिंग फिक्स की गई थी और उसके अगले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के केजरीवाल संग मीटिंग फिक्स है। इसलिए सुनीता केजरीवाल को आज अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली आप कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।